वेल हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर ऑसम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्रीन फैल्कन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्रीन फैल्कन एक शिकारी पक्षी है जो अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाया जाता है और इस पक्षी की अभी तक 40 प्रजातियां खोजी जा चुकी है। पैराग्रीन फैल्कन का साइंटिफिक नेम फैल्को होता है। ऐसा कहा जाता है जब पैराग्रीन फैल्कन अपना शिकार करता है तो अपने शिकार पर झपटने से पहले यह अपने आप को एक अधिकतम ऊंचाई तक ले जाता है। उसके बाद अपने शिकार की ओर गोता लगाता है। उस गोते में इसकी अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकती है, जिसका फ़ायदा इसे ये होता है कि यदि ये अपने शिकार पर हमला करता है इस रफ्तार के साथ, तो इस रफ्तार से यदि अपने शिकार कोई चूक बजाय गलती से उसे टकरा भी जाए तो इस टकराव से भी उस शिकार की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी गति का एक फ़ायदा तो ये भी, और इस गति के साथ ये दुनिया का सबसे तीव्र जानवर या पक्षी बन जाता है। पैराग्रीन फैल्कन के पंखों का फैलाव 74 से 120 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वयस्क पैराग्रीन फैल्कन की लंबाई 36 से 49 सेंटीमीटर तक होती है। फैल्कन के शिकार में बत्तख, विभिन्न तेज प्रकार के पक्षी और सोबर शामिल हैं। पैराग्रीन फैल्कन पानी के आसपास चट्टानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहां पर अन्य तेज़ रफ्तार के पक्षी पानी पीने व शिकार करने आते हैं, जिनको ये अपने भोजन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। पैराग्रीन फैल्कन वैसे तो अधिकतर ये जंगलों में ही रहते हैं, पर इनका घोंसला शहरों या कस्बों के आसपास ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है। पैराग्रीन फैल्कन एक बार में 3 से 4 अंडे देते हैं और ये इनके बच्चे 3 से 4 हफ्तों में बड़े होकर अपना वह घोंसला छोड़ देते हैं, यानी माँ बाप के पास से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पैराग्रीन फैल्कन के बारे में। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।